वो सामने ऊपर जो है ना वो ट्रेन जा रही है बिल्कुल पहाड़ी के दामन से। तो ये ट्रेन जो है ना ये यूएस से और मेक्सिको के दरमियान जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन होती है ना सबसे ज़्यादा सामान जो है ना माल इस पे जाता है। ये ट्रेन कहलाती है ला बिट्सिया द मॉन्स्टर द बीस्ट, क्योंकि इस जितने भी इमिग्रेशन जो है ना इमिग्रेंट्स जो है ना वो मेक्सिको से ना यूएस से जाते हैं ज़्यादातर, यानी फ्रॉम साउथ बॉर्डर यानी गौतमाला वाला बॉर्डर से एंटर होते हैं और फिर इस पर ट्रेवल करते हैं यूएसए के बॉर्डर तक, वहाँ पे उतर जाते हैं और फिर वहाँ पे बॉर्डर क्रॉस करते हैं बाय वॉक। तो एनीवे आज जो है ना तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, पेट जो है गड़बड़ कर रहा है तो काम पे नहीं गया, सारा दिन घर पे था। लेकिन अभी 3 बजने वाले हैं और वाइफ ने आने काम से, तो मैंने कहा चले मैं खुद जा कर पिक कर लेता हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा हुई तो क्या बस में ट्रेवल करेगी, अभी आधा घंटा है तो चलते हैं इंशाल्लाह। भाई जान गलती की आके सफ़र इतना नहीं है लेकिन क्योंकि थोड़े से उल्टी उल्टी महसूस हो रही थी गाड़ी चलाई है तो ऐसा लग रहा है कि बस अभी उल्टी करने वाला। और दूसरा ये कि मैंने ना चप्पल पहन के आया हूँ घर से निकलते हुए ना दानिया मुझे आवाज़ करी थी पापा पापा सपा तो पापा के शूज़ पहन के जा, मैंने बताया ना मैं मामा को लेने के जा रहा हूँ गाड़ी में, कहती है पापा शूज़ पहन के जा, मैंने कैसे जाता हूँ गाड़ी में जाने को, क्योंकि चप्पल के साथ में गाड़ी अजीब अजीब सी लगती है, क्या कहते हैं पाँव बैठता नहीं सही तरह से। तो एनी वे अभी हम पहुँचे और बस वेट कर रहा हूँ, तकरीबन 10 मिनट लगेंगे और फिर चलते हैं घर को। मैं सोच रहा हूँ रास्ते में ना किसी डॉक्टर वगैरह को चेक करवा लूँ क्योंकि बीपी जिस तरह से लो हो रहा है, डेट से कहाँ पर देखते हैं डॉक्टर। अभी हम आ गए हैं डॉक्टर के पास, यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक तो आप जाएँ गवर्नमेंट ऑफिस में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसका आपके पास ना इंश्योरेंस नहीं इंश्योरेंस ना रजिस्टर होना चाहिए वहाँ पे आप, और दूसरा आप प्राइवेट में जाएं। प्राइवेट में आपके पास ना दो ऑप्शन है, एक तो ये होता है कि आप जो है ना किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में चला जाएँ, वो आपको अच्छा खास चार्ज करेंगे, अच्छा खासा चार्ज करेंगे सेम लाइक इन पाकिस्तान हॉस्पिटल में। एक होता है इस तरह क्लिनिक, ये भी सेम लाइक पाकिस्तान है जहाँ पे आपके पास एक फार्मेसी है तो साथ में आपने छोटा सा क्लिनिक खोल लिया, तो ये फार्मेसी जो है ना रजिस्टर्ड होती हैं कंपनीज की होती हैं, तो इनके पास जो डॉक्टर होते हैं ना वो एटलीस्ट एथेंटिक होते हैं कि आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो फीस इनकी बड़ी नॉर्मल सी होती है, बहुत ही चीप होती है कंपेयर टू अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल जाते हैं। तो ये 3 ऑप्शन होते हैं, अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाते हैं वहाँ पर आपको रजिस्टर करना पड़ता है और उनकी सर्विस सेम लाइक पाकिस्तान, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में महंगा होता है इलाज अच्छा होता है लेकिन बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो तीसरा जो ऑप्शन होता है ना जो अक्सर इस तरह इमरजेंसी में यूज़ करते हैं स्पेशली मेरे लिए, मैं यूज़ करता हूँ क्योंकि अगर बच्चों को लेके जा रहे हैं बच्चों को हमेशा जो है ना स्पेशलिस्ट के पास लेके जाते हैं अच्छा खासा वो चार्ज करते हैं, बहुत महंगा यहाँ पर मेडिकल ट्रीटमेंट जो है बहुत ही ज़्यादा महंगा है। आई थिंक कंपेयर करें जो इसके साथ आई थिंक सेम होगा या थोड़ा कम होगा क्योंकि ऐसी बात है बराबर का जो फ़र्क होता है लेकिन बहुत महंगे पाकिस्तान के, तो यहाँ पे ट्रीटमेंट भी महंगे और मेडिसिन भी बहुत ज़्यादा। अभी जाते हैं डॉक्टर के पास देखते हैं क्या कहते हैं। हम डॉक्टर के पास से होके आ गए तो डॉक्टर ने ना एनालिसिस लेके दिया कि आपका ब्लड का टेस्ट होगा, टेस्ट करवा के लाने हैं तो उसमें चेक करें क्या है। तो मेन बार उन्होंने कुछ मेडिसिन दी है, कुछ फ्लेजल वगैरह ये पता नहीं क्या है, पैरास्टामोल इबुप्रोफेन ये दर्द वगैरह के लिए। तो मैंने कहा मेन टाइम आप ये खाएं, तो यहाँ पे जो लेबॉरेटरी है ना जो हमारे टाउन में वो सुबह सवेरे आपने जाकर वहाँ पे ब्लड के टेस्ट करवाने हैं, वो टेस्ट लेके आएंगे फिर हम चेक करेंगे क्या है क्या इन्फेक्शन है। तो ओके, तो मेडिसिन की बात करते हैं, मेडिसिन यहाँ पर बहुत ही एक्सपेंसिव है, अभी मैंने 3-4 मेडिसिन सिर्फ ली है ना तो आलमोस्ट जो है ना 1000 पैसों बन गए यहाँ का, यानी पाकिस्तानी जो वो 16,000 है 3-4 नॉर्मल है। तो आप ट्रीटमेंट कहीं से भी करवाएं, मतलब चेकअप कहीं से भी करवाएं किसी भी डॉक्टर से प्राइवेट से सरकारी से, लेकिन जब आपको मेडिसिन लेनी होती है ना मेडिसिन एक्सपेंसिव है यहाँ पे भाई बनस्बत पाकिस्तान में, ठीक है बाकी कंट्री की बात नहीं कर रहा। जनरल चेकअप के लिए आपको मतलब 700-800-1000 पैसों तक मेडिसिन पड़ जाती है। तो यहाँ पर भी 2 टाइप की मेडिसिन होती है, एक तो होती है जो ओरिजिनल जो कंपनी की होती है, जिस तरह ये आप अपनी जो प्रिस्क्रिप्शन है वो लेके जाएंगे ना वो आपको डायरेक्टली पहले डिपेंड करते हैं कौन सी फार्मेसी में जाती है, यहाँ पे 3-4 फार्मेसी ऐसी जो अपनी खुद की मेडिसिन बनाती है जिस तरह ये और सिमिलर, वो आपको ना अपनी मेडिसिन निकाल के देंगे जो उनकी कंपनी की मेडिसिन है, तो फिर वो सस्ती होती हैं बहुत चीप होती हैं, तो फिर आप कहते हैं नहीं मुझे ओरिजिनल चाहिए मुझे कंपनी की मेडिसिन चाहिए मतलब ऑथेंटिक चाहिए, और जो इम्पोर्टेड होती है ना वो फिर एक्सपेंसिव होती हैं ऑलमोस्ट 4 गुना 5 गुना ज़्यादा प्राइस होती है उनकी। तो ज़्यादातर लोग जो बेचारे गरीब होते हैं ना वो वही लेते हैं फिर जो क्या कहते हैं जेनेरिक कहते हैं क्या
जो लोकल बनी होती है मेडिसिन, तो जिन्होंने फिर अच्छा ट्रीटमेंट करना होता है तो बंदा खर्चा भी करे, तो फिर मैंने कहा नहीं मुझे जो है ना ओरिजिनल वाली मेडिसिन है वो दें, तो ऑप्शन होता है यहाँ पे आपके बिल्कुल पाकिस्तान की तरह ही मेडिकल जो ट्रीटमेंट है। सी एस सी यस मेडिकल और स्कूल सिस्टम जो है ना पाकिस्तान की तरह सेम पाकिस्तान में हमारे पास प्राइवेट स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, लोग सरकारी स्कूलों में नहीं भिजवाते, प्राइवेट में भिजवाते हैं। जिस तरह हमारी वाइफ कहती है नहीं सरकारी में नहीं भिजवाना, प्राइवेट में भिजवाना है। तो बच्चों की जो फीस है ना, जो अभी मेरे बच्चा मतलब पढ़ रहा है, वो उसके डिपेंड करते हैं आप कौन से स्कूल में लेके जाते हैं। तो एवरेज जो है ना एवरेज वो 2000 से, ये मैं आपको बात कर रहा हूँ किंडर की या इस तरह प्ले सेक्शन क्या कहते हैं मतलब स्कूल से जो पहले जो आपकी प्रॉपर स्कूल स्टार्ट होते हैं उससे जो पहले क्लासेस होती हैं 2000 से लेके ना 5000 तक असी तो दो ऐसा सिंको मिल क्या फीस ट्यूशन फीस ठीक ये नॉर्मल जो आपको एवरेज में बता रहा हूँ 2000 से ऊपर ऊपर ये आप अफोर्ड कर सकते नहीं है ना, फिर आपने ना गवर्नमेंट को लिखवाने गवर्नमेंट के स्कूल साफ सुथरे होते हैं, लेकिन जो वहाँ पे टीचर्स हैं ना उनकी एक थोड़ी सी होती है कि वो टीचर जो है ना वो पाकिस्तान की तरह चले पाकिस्तान है, फिर भी टीचर जो है वो अपनी काबिलियत पे ना हायर होके आते हैं। लेकिन यहाँ पे सिस्टम चलता है फैमिली का, अगर मेरी वाइफ के जो पेरेंट्स हैं ना वो अगर टीचर है ना, मेरी वाइफ ने जो भी एजुकेशन ली हो तो जब मेरे पेरेंट्स जो वो इसके इनके पेरेंट्स जो वो अगर अपनी छोड़ते हैं सर्विस छोड़ते हैं या रिटायर होते हैं तो वो अपने दो बच्चों को ना इनरोल करवा सकते हैं कि एज ए टीचर वो वहाँ पर पढ़ाएँ, गवर्नमेंट यानी जॉब उनको दिला सकते हैं अपने बच्चों को। ये फैमिली टू फैमिली आता है तो उसमें वो क्वालिटी नहीं रहती, जो एजुकेशन की क्वालिटी होती है ना वो नहीं रहती। तो बीच में इसमें प्रोटेस्ट हुआ था काफ़ी ज़्यादा, लेकिन चल रहा है सिस्टम चल रहा है। तो हमेशा मैं कंपेयर करता हूँ पाकिस्तान के साथ इस कंट्री को। अभी मैं यहाँ पे आऊँ लेबॉरेटरी में सुबह सुबह के टाइम में 9 बजने वाले हैं, तो अभी जो है ना वो ब्लड टेस्ट हो, और जो हमारे टाउन में जो लेबॉरेटरी है ना ये ब्लड टेस्ट का रिजल्ट जो है ना वो नेक्स्ट डे देगी, क्योंकि यहाँ सेंड करते हैं सिटी को उनकी मेन लेबॉरेटरी है, वहाँ पर ना वहाँ से एनालिसिस होकर ना फिर नेक्स्ट डे यहाँ पर डिलीवर हो जाए। तो मैंने जाना था टाउन जाना था, मैंने कहा वहाँ पर करवा दूँगा, लेकिन फिर पता चला कि नहीं जी ये जो ब्लड टेस्ट है ना ये मॉर्निंग में होना चाहिए जब ना आप कुछ भी ना खाए हो यानी कि आप रोज़े की हालत में हो। तो यहाँ पे इस लेबॉरेटरी में 9 बजे से पहले पहले होता है, तो मैं एग्जैक्टली 10 मिनट काम जो है वहाँ पे पहुँच जाएगा था। तो अभी पेमेंट वगैरह कर लिया और अभी जो ब्लड टेस्ट किया जाएगा। Hasta, yo cierro a las 12, así que puede venir antes de las 11:30. Uh-huh. Que va a sentir un piquetito, ¿sí? No se vaya a mover. Doble su bracito. Manténgalo hace unos 5 o 10 minutitos nada más, ¿sí? Ok, sí. Blood jo hai wo le liye nikal ke maine dekha nahi hai, card ki hai, kyunki almost mere haal mein kuch 8-9 saal ke baad jo hai na wo main blood टेस्ट करवा रहा हूँ। साल पहले जब करवाया था वो शादी के लिए करवाया था यहाँ मेक्सिको में, अभी मुझे याद आया अगर आप यहाँ पे शादी करते हैं ना मेक्सिको में तो ब्राइड का और ग्रूम का दोनों को ब्लड टेस्ट होके वो ब्लड टेस्ट जो है ना उसकी रिपोर्ट फिर आप साथ लेके जाते हैं जहाँ पे आपकी शादी करनी होती है, यानी कि ऑफिस ना रजिस्टर सिविल होता है यानी कि लोकल ऑफिस होता है जहाँ पे आपकी शादी रजिस्टर्ड होती है, वो चेक करते हैं कि आपकी जो है ऐसा कुछ मैच नहीं हो रहा या कुछ ऐसा कुछ होता है, फिर क्या चेक करते हैं तो फिर आप शादी कर सकते हैं। अगर आपकी रिपोर्ट जो है ना वो मैच नहीं होती, कुछ उसमें डिफरेंस है, कुछ इशू निकल आता है तो फिर आप शादी नहीं कर सकते। मुझे भी याद है कि यहाँ पे आपको शादी करने के लिए ब्लड टेस्ट करवाना होता है, इसका रिजल्ट जो है वो कल मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो है ना स्पेशली अभी मैं काम से छुट्टी की है, वाइफ को मैंने पिक किया काम से, धानी भी हमारे साथ थे स्कूल से, आज थोड़ा सा लेट पिक किया उसे और अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे एक प्लाजा है कुछ रमज़ान की शॉपिंग करने के लिए। रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह आ चुका है, आने वाला नहीं आ चुका है, अभी 2 या 3 दिन रहते हैं तो इंशाल्लाह। यहाँ पे रमज़ान जो है ना मेक्सिको में वो सऊदी अरब के साथ या आपके यूके के साथ या यूएसए के साथ या कनाडा के साथ जो है मनाया जाता है, यहाँ पे चांद नहीं देखा जाता। तो इसलिए जब भी सऊदी अरब में ना यहाँ पे हमें पहले पता चल जाता है, सऊदी अरब में रात होती है तो यहाँ पे ना एक दिन पीछे ही है, मतलब 12 घंटे का फ़र्क है, 10-11-12 घंटे का। तो वहाँ पे जब अनाउंसमेंट होती है ना तो हमें यहाँ पे पता चल जाता है कि कल जो है ना सऊदी अरब में रोज़ा है, तो उसके साथ भी यहाँ पे मेक्सिको में कोई कमेटी वगैरह नहीं है, लेकिन फेसबुक के जो मेन मॉस्क है वो भी अनाउंस कर देते हैं और पता चल जाता है जो जो मुसलमान हैं कि कल रोज़ा है।
इंशाल्लाह रमज़ान 2024 जो है वो स्टार्ट होने को है, और उसके लिए थोड़ी सी तैयारी जो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ होता है। यहाँ पे कुछ ख़ास इंतज़ाम नहीं करते हम शहरी में या अफ्तारी में, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जिस तरह दही वगैरह हो गया या कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो है ना फ्रूट्स वगैरह एक्स्ट्रा वो ले कर रख लेंगे इंशाल्लाह। और पाकिस्तान में अफ्तारी का मज़ा कुछ और होता है, मेक्सिको में बस ये कि रख गुजारा करना पड़ता है, तो उस तरह की अफ्तारी ये शहरी नहीं होती। तो अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर जो है रमज़ान के मेरा में दो रोज़े हमने पाकिस्तान में रखे थे, और बाकी रमज़ान जो है मेरा ना आखिरी 10 रोज़े जो है ना वो तुर्की में और सऊदी अरब में गुजरे थे अल्हम्दुलिल्लाह, और पूरे सफ़र में गुजरे बहुत मुश्किल थे। तो इस दफ़ा गर्मी जो है वो आज टम्परेचर इस वक्त जो है ना वो 37 सेंटीग्रेड है हमारे टाउन में, 37 सेंटीग्रेड अंदाज़ा लगाएं मार्च का स्टार्ट है, और इतनी शदीद गर्मी तो भाई रोज़े बड़े मुश्किल होने वाले हैं। तो इससे पहले रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे गुजरे हैं, लेकिन इस वक्त गर्मी ना दुबा के पड़ने वाली है, अभी से अंदाज़ा हो रहा है। तो पाकिस्तान में तो आजकल मतलब ठंड गर्म इस तरह का मौसम चल रहा है, लेकिन यहाँ पे बहुत गर्मी स्टार्ट होती है भाई, अजीब सा मौसम है, इस तरह गर्मी यहाँ पे होती नहीं है। तो एनीवे अभी चाहते हैं रमज़ान की शॉपिंग करते हैं। अभी जो है शॉपिंग करने से पहले ना हम खाना खाने के लिए आए, यहाँ पर देखें सारा कुछ दानिया भी खाना खा रही है, और मज़े की बात बताऊँ ना मेरा दो दिन से पेट जो है ना वो फुल मोशन में है, बहुत ख़राब था, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हुआ कुछ बेहतर हुआ, लेकिन अभी फिर जो है ना हम KFC खाने पहुंच गए। तो यहाँ पे चिकन के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, कोई और चीज़ हलाल आपको अवेलेबल हो, ये भी उस तरह हलाल नहीं है लेकिन आप खा सकते हैं। ओके कुछ शॉपिंग हमारी हो गई है, मेन चीज़ जो थी ना वो अंडे और दही है, और गरबांसो ये छोले, और कुछ फ्रूट वगैरह भी लेते हैं। तो केले हैं, केले जो है ना वो बिल्कुल नरम नरम से हैं, ये एक दिन भी नहीं गुजारेंगे, और यहाँ से कुछ ना सेब वगैरह ले लेते हैं।